हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिप्पी रेसिपीज एंड फन बास्केट। आज का वीडियो थोड़ा खास है हमारे लिए, क्योंकि ये मैंने सारा कुछ मेरे हस्बैंड के लिए बनाया है। वो छः महीने उसे घर पे नहीं है, कोविड के लिए दूसरे कंट्री में फंसे हुए। तो मेरे बेटे को सरप्राइज मिला है, उसको पता नहीं था कि पापा आएंगे इसी का। और मैंने थोड़ा सा आज कैमरे के सामने भी आया है, तो रेसिपी पूरा देख लीजिए, फिर हमारे थोड़ा सा छोटा सा एक वीडियो क्लिप है वो प्लीज़ देखिएगा। यहाँ पे मैंने जैसे 100 ग्राम के करीब चावल भिगा लिया खीर के लिए, पायस के लिए। और मैंने यहाँ पे डबल क्रीम वाला दूध लिया है, जिससे कि खीर बहुत अच्छा बनता है। हम बंगाली में खीर को पायस बोलते हैं। तो चावल जैसे दूध अच्छे से थोड़े टाइम तक उबाला आ जाए, थोड़ा कम हो जाए, तब हम लोग चावल डाल देंगे। चावल को अच्छे से बॉयल आने देंगे और चावल को एकदम अच्छे से पकने देंगे, फिर जाके हम लोग चीनी मिलाएंगे। चावल के पकने से पहले चीनी मिलाएंगे तो खीर जैसे चावल पकने में प्रॉब्लम होता है। तो मेरा जैसे दूध एकदम गाढ़ा हो चुका है, चावल भी पक चुका है, मैंने चीनी और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स मिला दिया और हमारा खीर बिल्कुल तैयार हो गया। तो फिर हम लोग एक सर्विंग बाउल में निकाल देते हैं। अभी एक कढ़ाई में हमने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल दे दिया, दे के थोड़ा सा 5 फोरन की छौंक लगा दी और ड्राई रेड चिल्ली और तेज पत्ता डाल दिया। और ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कॉलीफ्लावर और आलू काट के रख के एक थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हम लोग बंगाली लोग दाल के साथ एक थोड़ा सा सूखा भाजी खाते हैं इसलिए। और थोड़ा सा धनिया का पत्ता ऊपर से डाल दिया तो ये सब्ज़ी भी बिल्कुल तैयार हो गया। यहाँ पे मैंने ड्राई फिश लिया, ड्राई फिश को गर्म पानी में धो के बीच का जो बोन्स होता है ये निकाल के फेंक दिया। अभी थोड़ा सा हल्दी, अदरक लहसुन की पेस्ट डाला, हल्दी नहीं, और ड्राई फिश डाल के लाल मिर्च पाउडर और हल्दी और नमक डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे ड्राई फिश भी फ्राई हो चुका है हम लोग निकाल देंगे। उसी कढ़ाई में और थोड़ा सा तेल दे दिया और मेथी की छौंक और गार्लिक पेस्ट डाल दी और चॉप करके रखा ओनियन डाल दिया और ऐसे पतला पतला करके रखा आलू काट के रखा और बैंगन डाल दी। बीच में ग्रीन चिल्ली भी डाला और एक टमाटर को ऐसे बड़े बड़े पीसेस में काट कर लिया। अच्छे से पकाएंगे जब तक ना सारा सब्जी नरम हो जाए। अभी सिर्फ ड्राई रेड चिल्ली पाउडर और हल्दी डाला और बाकी कुछ मसाला यहाँ पे नहीं दूंगी। थोड़ा सा पका लिया, देखिए सब्जी लगभग हो चुका है। अभी डाल दे ड्राई फिश और ऊपर से थोड़ा सा पानी डाला। मैं इसको बहुत पानी वाला सब्जी नहीं पसंद आता है, थोड़ा सूखा सूखा, तो अच्छे से हम लोग उबाल आएंगे तो ये पानी भी सूख जाएगा। तो हमारा ड्राई फिश की सब्जी भी तैयार हो गया। अभी दाल बना लेते हैं, मसूर की दाल, बहुत पतला वाला दाल हम लोग खाते हैं थोड़ा हमेशा हर रोज़ के लिए। तो हल्दी और नमक डाल के हम लोग एक विसल लगा देंगे। फिर कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल दे के 5 फोरन और तेज पत्ता ड्राई रेड चिल्ली की छौंक लगा दिया। अभी दाल को डाल दिया, दाल के बाउल को धो के थोड़ा सा पानी डाल दिया, थोड़ा सा चीनी डालेंगे जैसे कि बैलेंस करने के लिए और अच्छे से उबाल आने देंगे 2-3 मिनट तक, 5 मिनट तक। फिर हमारा दाल भी तैयार हो गया। अभी डालेंगे हम लोग अंडा कोशा बनाएंगे ड्राई वाली। तो अंडे को डाल के, उबाले हुए अंडे को डाल के हल्दी दे के ऐसे थोड़ी देर पकाएंगे तो बहुत अच्छा कलर आएगा दोस्तों, देखेंगे आप सामने ही हो जाएगा। अभी नमक डाल दिया हमने, पहले ही नमक नहीं डालिएगा, देखिए कितना मज़ेदार कलर आया है ना, देखने के बाद ही खाने का मन होता है। फिर थोड़ा सा मेथी डाल दी, मेथी की छौंक लगाया और 2 इलायच, 1 टुकड़ा दालचीनी और ड्राई रेड चिल्ली बे लीफ डाल के अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दिया और प्याज की पेस्ट डाली। 2 प्याज मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अच्छे से पकाएँगे जैसे कि प्याज से कच्चापन चला जाए। अभी नमक थोड़ा सा डाल दिया, देखिए प्याज से कच्चापन चला गया। अभी ड्राई रेड चिल्ली, क्यूमिन और हल्दी पाउडर डाल थोड़ा सा पानी देंगे जैसे मसाला जले नहीं, और पकाएंगे जब तक ना मसालों से तेल ना छोड़े। अभी थोड़ा सा चिकन मसाला यूज़ किया मैंने जो सब्जी को बहुत अच्छा स्वाद देगा। फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अभी हमारा लाल अंडा डाल दिया, अभी अच्छे से उबाल आएंगे। फिर हम लोग ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा
धनिया का पत्ता, तो हमारा अंडा कोशस रेडी हो गया। तो अभी देखिए हमारा पूरा बंगाली लंच जो स्पेशल मेरे हस्बैंड के लिए। अभी आप लोग ब्लॉग एंजॉय कीजिए। गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली मैं आज एक ब्लॉग कर रही हूँ पहली बार, तो मुझे थोड़ा नर्वस हो रहा है कि मेरा कैमरे के सामने कैसे बात करूँ। एक्चुअली आज मेरे हस्बैंड आ रहे हैं 6 महीने के बाद, तो मेरे बेटे को पता नहीं है, तो मैं दिखाती हूँ मेरा बेटा क्या करता है, उसका रिएक्शन। बड़े बेटे को, छोटे को तो उतना पता नहीं चलता है, फिर मैं दिखाती हूँ। ओके सरप्राइज क्या लगे छे ओ बाबा अच्छा भी क्या करिए कौन बो बालाज अच्छा काम लो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, और जो नया है मेरे चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और भी व्लॉग देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।